साथियों, ये जो नई शिक्षा नीति आई है, ये हम गरीब वर्गों के लिए खास करके कुटारा घात किया गया है हम लोगों के ऊपर, ताकि हम लोग पढ़ नहीं पाए। और जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हम लड़ेंगे कैसे? हमारा अधिकार क्या हम नहीं जानेंगे, ठीक है? वैसे ही जैसे हम जहाँ से आते हैं झारखंड से, वो खनिज संपदाओं से परिपूर्ण राज्य है। वहाँ पर खनिज संपदाओं की कमी नहीं है, पर वो फिर भी पिछड़ा है। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बुरी है। वहाँ का जो विद्यालय है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पढ़ाई के नाम पर बस आपका टाइम पास होता है। और जैसे तैसे बच्चे जो पढ़ पाते हैं वो पढ़ लेते हैं, और उसमें भी अब दिक्कत ये है कि ये नई शिक्षा नीति आने से उनकी वो पढ़ाई बाधित होगी, क्योंकि शिक्षा इतना महंगा है कि जिस परिवार में 200 रुपये प्रतिदिन आय आएगी, वो परिवार कहाँ से 250 रुपये का पर मंथ का रिचार्ज करवाएगा, या जो हजार रुपये के करीब, मतलब 2000 के करीब जो फीस आएगी, वो कहाँ से भरेंगे? इसीलिए हम लोगों को इस शिक्षा नीति की विरोध कर रहे हैं। और जहाँ हम लोगों का हर साल जो सत्र होता है, कम से कम एक साल हम लोग पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम देते हैं, पहले 6 महीने की जो सेमेस्टर चल रही है, इस सेमेस्टर में एक तो पहले एडमिशन हम लोगों का लेट होता है तो सत्र लेट जाता है। उसके बाद दिक्कत यह आती है कि जो एडमिशन होती है उस पर टाइम हम लोगों का बहुत ज़्यादा चला जाता है। फिर एग्ज़ाम फी वगैरह की बात आती है, फिर आपका एडमिट कार्ड वगैरह की बात आती है, इसमें आपका टाइम बहुत जाता है। और टाइम जाने के बाद छात्रों के पास टाइम नहीं बचता है कि वो पढ़ सके। और जब एक तो क्लास भी नहीं होती है इस ढंग से, शायद ही मंथ में एक बार भी क्लास हो जाए तो बहुत बेहतर है। और जब इस तरह से है तो पढ़ाई कोई नहीं कर पाते हैं, और उनका जो बुनियादी ढांचा है वो कमज़ोर हो जाता है। इस वजह से वो छात्र बुनियादी मजबूत नहीं हो पाते हैं। और अगर वो कंपटीशन के दौर पर जाते हैं तो जो प्राइवेट बच्चे जो पढ़ के आए हैं, जो पूंजीपति वर्ग से बच्चे पढ़ के आए हैं, वो बच्चे हमेशा आगे अव्वल मारेंगे और हमारे गरीब के बच्चे हमेशा पीछे जाएंगे। इसीलिए हम लोग सभी मिलकर इस नई शिक्षा नीति के खिलाफ है, और हम चाहते हैं, और पूरे आयशा या पूरे छात्र के लोग चाहते हैं, जो छात्र चाहते हैं, कि हम लोगों को जो गांव है, गांव का जो आखिरी छोर है, आखिरी घर है, उस छात्र को भी सस्ती शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसकी लड़ाई है। और हम लोग लड़ेंगे और इससे जीत हासिल करेंगे। और हमारा ये मांग है सरकार से कि हम लोगों को जो हमारी अधिकार है, सस्ती शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसको हम लोगों को दे, वरना हम लोग तो लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और इससे हम लोग जीत हासिल करेंगे। बीएड का फी जो सबसे सस्ता कहा जाता है 1800 रुपये था, और नई शिक्षा नीति की आड़ में उसको बढ़ाकर 1,25,000 कर दिया गया। तमाम आंदोलनों के बाद उस फी हाई को वापस से 25,000 किया गया, मतलब 1800 से 25,000। और इस पर कुलपति से जब बातचीत किया गया, कुलपति स्पष्ट कहता है कि नई शिक्षा नीति लागू होने जा रहा है और हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, ये हमें लागू करना है। दूसरी तरफ बिहार के अलग अलग जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, वो बिना कुलपतियों के चल रहे हैं। एक कुलपति दो दो विश्वविद्यालयों को चला रहे हैं, चाहे भागलपुर का विश्वविद्यालय तिलका मांझी हो, पूर्णिया विश्वविद्यालय हो, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय हो, मगध विश्वविद्यालय हो, या ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हो, ये सारे विश्वविद्यालय एडहोक वाइस चांसलर के हाथों में हैं और ऐसे चल रहे हैं। दूसरी तरफ लॉ कॉलेज, कहा जाए तो बिहार में पूरी तरीके से लॉ की पढ़ाई ठप हो चुकी है, और इस नई शिक्षा नीति के आर में जितने भी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो बिहार में लॉ कॉलेज की दुकान खोल रखे हैं, उन दुकानों को सीट बढ़ाया जा रहा है, और सिर्फ उन्हीं कॉलेजों में नामांकन की परमिशन दी जा रही है, बाकी सरकारी कॉलेजों में सीट कटौती कर दिया गया है। ये स्थिति है। इसके साथ साथ अगर बिहार के विश्वविद्यालयों में बात करें तो एक नया सिस्टम, जो हम लोग जिस ठेकेदारी के खिलाफ, ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ हम लोग लड़ते हैं, आज विश्वविद्यालयों में एडहॉक पे प्रोफेसर हायर किए जा रहे हैं, जिसका सीधा नतीजा छात्रों के रिसर्च पे पड़ता है, और जो जिनको हाजिर हायर किया भी जा रहा है उनकी नौकरियों का भी कोई सुनिश्चित गारंटी नहीं होती। ये स्थिति है। अभी बिहार में दो विश्वविद्यालय में CBCS को लागू किया गया, सेमेस्टर सिस्टम को लागू किया गया। पहले से ही बिहार में सेशन लेट चल रहे हैं। बिहार का ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं जो 3 साल में डिग्री दे दे। ये बिहार की एजुकेशन सिस्टम की स्थिति है। और उस अवस्था में
सेमेस्टर सिस्टम लागू करना, छात्रों पर एग्जाम्स का एक अलग प्रेशर, हर एक सेमेस्टर के दौरान फी हाई का अलग मसला बनता है, और उसके साथ साथ जिन छात्रों का सेशन पहले से ही लेट है अब वो और लेट होगा, ये नई शिक्षा नीति का ये एक उदाहरण है। बिहार में जो प्राथमिक स्कूल्स हैं 6000 स्कूल नई शिक्षा नीति के नाम पर मर्ज कर दिए गए और बंद कर दिए गए। जो दूर दराज कॉलेज है गांव में उनको बंद करने की नोटिस आ गई है। ओवरऑल अगर हम बात कहें तो नई शिक्षा नीति बिहार जैसे राज्य को, जो छात्र बड़े उम्मीद से कैंपसों तक जाते हैं, अपना डिग्री कंप्लीट करने की ख्वाहिश रखते हैं, छपरा विश्वविद्यालय का मसला है, वहां भी वाइस चांसलर परमानेंट नहीं है, शिक्षकों की भारी कमी है, तो छात्रों को जो गरीब और वंचित तबके के छात्र हैं उनको सीधे तौर पर कैंपसों से बेदखल किया जा रहा है। और इसी दौरान हम लोगों ने पूरे बिहार में अलग अलग विश्वविद्यालयों में सिग्नेचर कैंपेन चलाया और छात्रों के बीच नई शिक्षा नीति के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। छात्रों का यह मानना है कि कोई भी पॉलिसी बिना संसद में डिबेट किए नहीं लाया जा सकता है, आखिर नई शिक्षा नीति को पार्लियामेंट में बिना डिस्कशन को क्यों लागू किया गया, ये मंशा सरकार की साफ जाहिर है। सरकार कैंपसों को, कॉलेजों को और स्कूलों को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहती है और उनको प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में दे देना चाहती है। उसमें एक अंतिम बात है, ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन, बिहार जैसे राज्य में जहां अलग अलग जिलों में बिजली नहीं पहुंची है, वहां आप ऑनलाइन मोड कैसे पहुंचाएंगे, ऑनलाइन एजुकेशन मोड को कैसे ले जाएंगे। कोरोना में हमने देखा कि अलग अलग जगहों पे कई सारे छात्राओं ने सुसाइड कर लिए, इस कारण ये था कि उनके पास स्मार्टफोन नहीं था और ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते थे, इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन बिहार के जो बची खुची व्यवस्था है शिक्षा की उसको पूरी तरीके से चौपट कर देगा। और इस नई शिक्षा नीति के खिलाफ फिर एक बार हम लोग बिहार के छात्रों के बीच जाएंगे और जाते ही हम लोग राजभवन का कॉल देने जा रहे हैं कि बिहार सरकार केंद्र सरकार से बात करे और इस नई शिक्षा नीति मामले में हस्तक्षेप करे और बिहार में लागू होने से रखे। इनकलाब जिंदाबाद।